दोस्तों हम हर साल कई त्यौहार मनाते हैं, पर कई बार इन त्यौहारों के पीछे की कहानी को नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि शुरुआत कहां से हुई थी और कैसे हुई थी। दोस्तों अभी धनतेरस और दिवाली के त्योहारों का सीजन है और दीपावली के बारे में तो सब जानते कि भगवान श्री राम प्रभु रावण को मारकर अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है, लेकिन धनतेरस यह क्यों, धनतेरस क्यों मनाई जाती है? धनतेरस के पीछे भी एक बड़ा रहस्य, एक कहानी है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तभी से इस दिन का नाम धनतेरस रखा गया। जब भगवान प्रकट हुए थे तब एक हाथ में कलश था, दूसरे हाथ में शंख, तीसरे हाथ में कुछ जड़ी बूटियां और चौथे हाथ में आयुर्वेद की बुक थी। तभी से उस कलश के कारण हिंदू समाज में चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। अब सभी के पास इतना पैसा हो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो लोग साधारण बर्तन खरीद लेते हैं। चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है जो कि शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को ही सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है और जो स्वस्थ है वही सबसे बड़ा धनवान है। भगवान धन्वंतरी जी को चिकित्सा के देवता भी कहा जाता है, जिसके कारण धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। धनतेरस के दिन खरीदे गए सोने चांदी के आभूषण, मूर्तियाँ दीपावली के लक्ष्मी पूजन के समय इनकी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन शाम को दीपक भी जलाया जाता है, उसकी एक अलग ही कहानी है। धनतेरस की शाम को घर के बाहर आंगन में दीपक जलाने की प्रथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा था जिसका नाम हेम था। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषी ने जब बालक की कुंडली बनाई तब पता चला कि बालक का विवाह के ठीक 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा राज परिवार उसकी पूरी प्रजा यह सुनकर बहुत दुखी हुई और राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की छत्र छाया भी ना पड़े। तभी वहाँ से एक राजकुमारी का गुजरना हुआ। जब राजकुमार और राजकुमारी का एक दूसरे को देखना हुआ तो मोहित हो गए और गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के ठीक 4 दिन बाद विधि का विधान शुरू हुआ। विवाह के ठीक 4 दिन बाद यमदेवता राजकुमार के प्राण लेने आ गए। जब यमदेवता राजकुमार के प्राण हरण कर रहे थे तब नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उसका हृदय पिघल गया, परंतु विधि के विधान के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। तभी चित्रगुप्त ने कहा कि हे स्वामी, ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्ति पा सके? यम देवता बोले, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर रखते हैं।